विदर्भ के नागपुर में आए दिन कई अपराधी घटनाएं बढ़ी है। इसकी रोकथाम करने के लिए समाज सेवी संस्था, पुलिस, विद्यार्थी, अभिभावक और अलग अलग संस्था के लोगों के बीच कार्यशाला के साथ साथ उन्हें समाज प्रबोधन जैसे विषयों से जानकारी दी, ऐसा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यातायात विभाग के DCP चिन्मय पंडित इन्होंने इनबीसीएन समक्ष किया। बढ़ते अपराध को रोकने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत अपने घर से हम सभी ने करनी चाहिए। इसे उक्त विचार स्पष्ट करते हुए यातायात के DCP चिन्मय पंडित इन्होंने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। किसी भी महिलाओं को रात में घर जाने के लिए या वो किसी मुसीबत में हो, उस महिला ने 100 नंबर डायल करे, जिससे पुलिस अपने वाहन से महिलाओं को उसके घर तक छोड़ देगी। कोई भी पुलिस वाले से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस भी आखिरकार एक नागरिक है। महाराष्ट्र के विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में और नागपुर के अंतर्गत आने वाला कलमेश्वर गांव के लिंगा में जिस प्रकार से एक शर्मनाक घटना जो हुई है, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में रोष व्याप्त है। ऐसे में हर जगहों में चर्चा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आज हम प्रेस क्लब में हैं, जहाँ पे इस चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए खुद चिन्मय पंडित साहब हमारे साथ पुलिस अफसर जो मौजूद है उनसे बात करेंगे। चिन्मय साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज जो पुरुषों को अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा बार बार कहा जाता है, अवेयरनेस करना बोले तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो घटना हुई है, इसमें सबसे पहले पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, जो आरोपियों के पकड़ के अच्छा एविडेंस जमा करके उनको सज़ा होनी चाहिए, इसके ये हमारी प्राथमिकता पुलिस की होनी चाहिए। उससे आगे जाकर ये ऐसी घटनाएं क्यों होती है, ये हमने सोचना चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला सक्षमीकरण की बात करके हमें समाधानी नहीं होना चाहिए, तो इसमें पुरुष सक्षमीकरण की भी बात होनी चाहिए, जिसमें संवेदनशीलता, फिजिकल एम्पावरमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन संवेदनशीलता, आज हम देख रहे हैं कि समाज में संवेदनशीलता कहीं ना कहीं खोती जा रही है। एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं, कोई मर्डर होता है और लोग वहाँ जाके सेल्फी लेते हैं, तो एक कम होती संवेदनशीलता के ही लक्षण है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें घर से शुरू होती है। अगर हम लड़का लड़की ये समानता हम लोग घर से रखें, लड़कियों को कहीं कम ना समझते हुए या फिर लड़कों को कहीं ज़्यादा ना समझते हुए, अगर हम दोनों को एक समान समझें घर से, और स्कूल में भी ये चीज़ का पालन हो। तीसरी चीज़ है कि सेक्स एजुकेशन, जो इस लैंगिकता के बारे में जो हमारे समाज में जो टैबू है, अगर वो उसको हम निकाल देते हैं और उसके बारे में खुल के बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़, ये जो हम देखते हैं कि महिला अत्याचार, ये कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। और इसमें पुलिस का भी ये रोल है कि पुलिस भी संवेदनशील होनी चाहिए, और अगर ये हो तो ऐसी घटनाएं कम होंगी। पंडित साहब, ये नहीं लगता आपको कि जिस प्रकार से ये जो घटना है, ये तो शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किया गया, कहीं ना कहीं संविधान को दरकिनार किया गया, संविधान का पालन नहीं किया गया, ऐसा कहा जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एनकाउंटर के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन पुलिस का मुझे लगता है कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो काम है वो पुलिस ने बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो उसमें एविडेंस कलेक्शन और आरोपियों को समय से पकड़ के उनको कोर्ट के सामने विथ एविडेंस पेश करना, जिससे केस स्ट्रांग होकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कायदे में जितनी पनिशमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का सक्सेस है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, जैसे जिस प्रकार से आपने कहा है कि कई अधिकतर जो एक्सीडेंट जो होते हैं लोगों के सामने दिखते हैं, लोग विजुअल जरूर लेते हैं, लेकिन लोग कोई भी आगे आके उसको अस्पताल हॉस्पिटलाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। कई पुलिस का इसके पीछे बहुत बड़ा खौफ होता है उनके मन में कि अपने पीछे में ये कुछ बातचीत हो जाए या अपने पीछे में ये सारा कामकाज लग जाए, यह कई भीति कहीं ना कहीं शहर के लोगों के बीच में दिखाई देती है। देखिए, कुछ साल पहले तक ये बात कुछ अंश सही भी थी कि पुलिस का एक डर रहता था, लेकिन मेरा हर समय ये मानना है कि पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन वो आदरयुक्त भीति, मतलब आदरयुक्त डर, ये ऐसा बना रहना चाहिए। तो पहले पुलिस के प्रति आदर होना चाहिए, उसके लिए पुलिस का आचरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर सोच विचार होना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस का आचरण संवेदनशील हो, पुलिस का आचरण अच्छा हो, पुलिस का आचरण आइडियल हो, तो लोग खुद होकर सामने आएंगे और इसमें परिवर्तन ज़रूर होगा।
तो आप थे आईपीएस अधिकारी चिन्मय पंडित साहब, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये कहा कि पुलिस ने भी अपने आप में कुछ बदल करना चाहिए। बेशक क्योंकि पुलिस को देखते ही लोगों के मन में एक तो बहुत बड़ी एक घबराहट से निर्माण होती है, या उन्हें लगता है कि पुलिस अभी हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो एक भरोसा है लोगों के दिल में दिन ब दिन कम होते जा रहा है। ये कहीं कम नहीं होना चाहिए क्योंकि पुलिस ये सदर रक्षणाएं खल निगरानाएं कि जो तत्व है उसके अनुसार चलते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि शहर के नागरिकों के हितों के लिए ही पुलिस आज बढ़ चढ़कर अच्छा काम कर रही है, बशर्ते पुलिस ने भी अपने आप में झांकना चाहिए कि आखिरकार नागरिक उनसे दूर क्यों भागते हैं। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।